हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे हमारा इकोसिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला है जो इकोसिस्टम के बारे में हमने पढ़ लिया था, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इकोसिस्टम के टाइप क्या क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम के फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है प्रोडक्टिविटी। ठीक है, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ जो बायोमास है वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है कोई भी ऑर्गेनिज्म। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनकी बात करेंगे यहाँ पर। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? ग्रीन प्लांट्स। जो फोटोसिंथेसिस करेंगे या फिर एल्गी भी फोटोसिंथेसिस कर सकती है और ग्रीन प्लांट्स भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो वो प्रोड्यूसर की कैटेगरी में आएंगे। किसी भी फूड चेन की शुरुआत करेंगे और जो ट्रॉफिक लेवल होगा उसमें सबसे बॉटम पर होंगे। ठीक है, तो जो प्रोडक्टिविटी होती है दो टाइप की होती है, एक तो होती है प्राइमरी और एक सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कौन होगी? जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो ग्रीन प्लांट्स सनलाइट को कैप्चर करके जो बायोमास प्रोड्यूस कर रहे हैं वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी। और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो हर्बीवोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी फोटोसिंथेसिस से बनेगी और कौन बनाएगा? ग्रीन प्लांट्स। जबकि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हर्बीवोर्स क्या करेंगे? ग्रीन प्लांट्स को या प्लांट प्रोडक्ट्स को खाएंगे और उसके बाद जितना अमाउंट ऑफ बायोमास वो प्रोड्यूस कर सकते हैं वो कहलाएगी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब देखो जितना भी टोटल अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस किया होता है उसको बोलते हैं ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब इस ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में मान लो कोई प्लांट है फोटोसिंथेसिस कर रहा है, फोटोसिंथेसिस करने के बाद उसने जितनी एनर्जी स्टोर की है अपने अंदर, क्या वो उतनी की उतनी अगले ट्रॉफिक लेवल को पास कर सकता है, किसी हर्बीवोर को दे सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि प्लांट की खुद की कुछ जरूरतें हैं। प्लांट रेस्पिरेशन में लॉस कर देगा, प्लांट अपनी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उनको परफॉर्म करेगा, उसके बाद जो बची हुई एनर्जी होगी वो अगले ट्रॉफिक लेवल में पास करेगा। ठीक है, तो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी टोटल प्रोडक्टिविटी, लेकिन जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी वो होगी ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस। मीन्स जितनी टोटल प्रोडक्टिविटी की है उसने, उसमें से हम रेस्पिरेटरी लॉस को माइनस कर देंगे तो ये उस ऑर्गेनिज्म की, उस प्रोड्यूसर की, उस ग्रीन प्लांट की नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं वो इस प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करेंगे। फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करेंगे, इसमें सबसे पहला होगा सनलाइट। भाई सनलाइट, हमें पता है फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की जरूरत होती है क्योंकि सन ही एकमात्र सोर्स ऑफ एनर्जी है अर्थ पर। ठीक है, तो जो सनलाइट का एक्सपोजर जितना ज्यादा होगा प्लांट्स उतनी ही ज्यादा प्रोडक्टिविटी करेंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि गर्मियों में भाई बहुत ज्यादा सनलाइट होती है तो गर्मियों में प्लांट्स फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा हाई रेट में करेंगे। नहीं, अगर ऑप्टिमम से ज्यादा फोटोन ऑफ लाइट मिल रहे हैं प्लांट को तो वो फोटोसिंथेसिस करना स्टॉप कर देगा, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ को ही सेंसिटाइज करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो जो रेड और फार रेड रीजन होता है उसके अंदर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज ज्यादा होंगी एज कंपेयर टू अदर वेवलेंथ। ओके, नेक्स्ट है
कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन बढ़ाई जाए तो प्लांट जो होगा वो फोटोसिंथेसिस ज्यादा करेगा। उसके बाद एक स्टेज ऐसी आएगी जहां पर आप उस कार्बन डाइऑक्साइड को कितना भी बढ़ा लो, प्लांट जितनी फोटोसिंथेसिस कर रहा है उतनी ही करेगा। मींस एक्सेस जो है वो किसी भी चीज की अच्छी नहीं है, चाहे वो सनलाइट हो चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो। उसके बाद है वाटर। अगर वाटर पर्याप्त मात्रा में, सफिशियंट अमाउंट में वाटर मिलेगा तो प्लांट फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज ज्यादा करेगा, क्योंकि वहां पर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अब हम प्लांट को पूरे दिन पानी में डुबाए रखें, तो ऐसा थोड़ी ना है कि उसको जितना ज्यादा पानी देंगे वो उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी करेगा। नहीं, जो वाटर होगा सिर्फ वो कुछ मतलब एक उसकी ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट होती है, उसी के अकॉर्डिंग प्लांट को वाटर मिलना चाहिए। अगर उससे कम मिला तो फोटोसिंथेसिस बिल्कुल नहीं होगी, अगर उससे ज्यादा मिला तो भी फोटोसिंथेसिस के ऊपर फिर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये मेन फैक्टर्स हैं जो कि प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जैसे स्ट्रेस है, पीएच है, ये सब भी क्या करेंगे, प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करेंगे। तो एक बात मैंने बताई थी कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो एनवायरमेंट होता है वो ऑप्टिमम होता है, लगभग पूरे साल एक जैसा रहता है और टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होता है, वहां पर मॉइस्चर कंटेंट, रेनफॉल ज्यादा होता है, इसलिए वहां का फ्लोरा और फौना दोनों ही वेराइटीज में होंगे। ठीक है, जबकि डेजर्ट के अंदर ये सब चीजें नहीं होती है, इसलिए वहां पर जो प्रोडक्टिविटी होगी वो बहुत कम होगी और जो प्लांट्स और एनिमल्स होंगे वो भी बहुत ही कम नंबर में होंगे। सेकंड है इसमें डीकम्पोजिशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देना। मतलब यहां पर क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, तो क्या होगा डीकम्पोजिशन में, कोई भी प्लांट एनिमल कोई भी अगर डेड हो जाता है तो उसका की डिकेइंग होगी, उसको जो बैक्टीरिया फंजाई होंगे उसको डीकम्पोज करेंगे और उसके अंदर जितने भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी मिनरल्स हैं, उन सबको वो रिलीज कर देंगे। ठीक है, तो क्या होता है इसके अंदर, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है जिसमें सबसे पहले क्या आता है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, जो भी लार्ज ऑब्जेक्ट है, जो लार्ज प्लांट एनिमल जो भी डीके होने के लिए, डीकम्पोजिशन के लिए आया है, उसको पहले छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिक एक्टिविटी होगी। हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप की एक्टिविटी होती है, एनाबोलिक और कैटाबोलिक। एनाबोलिक का मतलब होता है छोटी छोटी चीजों से जुड़कर बड़ी चीज बनना, जबकि कैटाबोलिज्म का मतलब क्या होता है, किसी बड़ी चीज का छोटी चीजों में कन्वर्ट होना। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे, उसके बाद उन फ्रेगमेंट्स की फर्दर ब्रेकिंग होगी, जिसको हम बोलते हैं कैटाबोलिज्म। उसके बाद होगी लीचिंग। लीचिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का अर्थ के अंदर लीच डाउन कर जाना, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो सरफेस के ऊपर है उसको जो सॉइल के पार्टिकल्स होंगे उनके अंदर चले जाना, क्या कहलाएगा, लीचिंग। मतलब कि सॉइल की जो लेयर है उनके अंदर वो परकोलेट करेगी। नेक्स्ट होगी ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन मीन्स
फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है? एक डार्क कलर का अमोर्फस सब्सटेंस होता है। ठीक है, डार्क कलर का अमोर्फस सब्सटेंस होता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और जो जिस मिट्टी के अंदर ह्यूमस ज्यादा होता है उसकी फर्टिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। और ये ह्यूमिफिकेशन की प्रोसेस कौन करेगा? अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म को फार्मर्स फ्रेंड भी कहा जाता है। ठीक है, अर्थवॉर्म को फार्मर्स फ्रेंड का क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो गले पत्ते होंगे या आपने फसल कटाई कर ली उसके बाद जो उसकी रूट्स बच गई हैं उनका ह्यूमस बनाएगा अर्थवॉर्म, और हमारी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति यानी फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देगा। और लास्ट में होगा क्या? मिनरलाइजेशन, मींस जो मिनरल्स रिलीज होंगे ह्यूमस से वो अब मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाएंगे। भाई एक तो ह्यूमस का ह्यूमस है, उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं। अब मिनरलाइजेशन प्रोसेस में वो जो मिनरल्स होंगे वो मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, अब प्लांट्स जो होंगे वो उन मिनरल्स को इजीली एब्जॉर्ब कर लेंगे अपनी रूट्स के थ्रू, और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये 5 स्टेप्स होते हैं जो कि हमें याद रखने होते हैं इसमें। इसके बाद है नेक्स्ट, हम एक बात करेंगे फूड चेन और फूड वेब की। फूड चेन कल मैंने बताया था क्या? ग्रास, डियर और लॉयन। अब इस ग्रास को कोई ग्रास ऊपर भी खा सकता है, इस ग्रास ऊपर को कोई फ्रॉग खा सकता है, इस फ्रॉग को कोई स्नेक खा सकता है, और इस स्नेक को कोई बर्ड खा सकता है, या आप ईगल बोलते हो ईगल खा सकता है। ठीक है, तो जो ये होती है हमारी जो फूड चेन्स होती हैं वो इतनी सिंपल नहीं होती जितनी की दिखती हैं। हमेशा नेचर के अंदर फूड वेब होता है, कभी भी फूड चेन अकेली नहीं होती, फूड वेब होगा, मतलब एक पूरा जाल होगा। तो क्यों? क्योंकि जो एक ऑर्गेनिज्म है वो कईयों का भोजन बन सकता है, या एक ऑर्गेनिज्म जो होगा वो कई सारी फूड चेन्स के अंदर आ सकता है। ठीक है, तो जो एक ट्रॉफिक लेवल है उससे दूसरे ट्रॉफिक लेवल के अंदर एनर्जी फ्लो हो रही है, और जो एनर्जी जो या आप एनर्जी फ्लो हो रही है, बायोमास भी आप कह सकते हो, बायोमास फ्लो हो रहा है। तो जब हम किसकी एनर्जी फ्लो की बात करेंगे तो जो एनर्जी फ्लो होगा इसमें हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगा। ठीक है, एनर्जी फ्लो जो होगा वो हमेशा कैसा होगा? यूनिडायरेक्शनल होगा। मींस ग्रास डियर को एनर्जी देगी, डियर कभी भी ग्रास को एनर्जी नहीं दे सकती, रिवर्सिबल कभी नहीं होगा। डियर लॉयन को एनर्जी देगी, लॉयन जो होगा वो डियर को कभी एनर्जी नहीं देगा, मींस एनर्जी का जो फ्लो होगा वो कभी भी बैक फ्लो नहीं हो सकता। ठीक है, नेवर बैक फ्लो। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो एनर्जी फ्लो होती है वो कितनी होगी? ओनली 10%, सिर्फ 10% एनर्जी जो होगी अगले ऑर्गेनिज्म को पास की जाएगी, बाकी जो एनर्जी होगी वो लॉस हो जाएगी। ठीक है, यहां पर ये मैंने 10 लिखा है। अब डियर जो होगी वो भी सिर्फ 10% एनर्जी दे पाएगी लॉयन को, बाकी लॉस हो जाएगी। ठीक है, चाहे आप किसी भी फूड चेन के अंदर बात करो, एनर्जी फ्लो जो होगी, एनर्जी जो होगी सिर्फ 10% पास की जाएगी, बाकी एनर्जी का लॉस हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि इस ऑर्गेनिज्म की अपनी खुद की जरूरतें हैं, तो ये अपनी जरूरतें पूरी करेगा, रेस्पिरेटरी लॉस कर देगा, और भी इसकी बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, तो उनके लिए ये उस एनर्जी को यूज कर लेगा, बाकी 10% को ये अगले में पास कर देगा। ठीक है, तो जब ये एनर्जी चल रही है 10-10%, तो जितनी ज्यादा बड़ी फूड चेन होगी, एनर्जी का जो गेन होगा वो लास्ट वाले इंडिविजुअल को उतना ही कम मिलेगा। ठीक है, इसलिए जितनी ज्यादा फूड चेन होगी उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। अगर फूड चेन बड़ी हुई तो जो लास्ट वाला होगा उसको तो बिल्कुल भी एनर्जी नहीं मिलेगी, इसलिए छोटी से छोटी फूड चेन होनी चाहिए ताकि स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके। ओके, इसके बाद हम कल हम करेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स और सक्सेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, यहाँ तक अपने नोट्स बना लेना और लर्न कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।